हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, कक्षा 10वीं गणित की अध्याय 15 को, जिसमें क्या है, ऑलरेडी दो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बहुत कुछ बता चुका हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, क्या कैसे करना है, पाठ का नाम का मतलब भी समझा चुका हूँ। ठीक है, यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको देख लीजिए। और एक बात और, मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग क्या करो कि क्वेश्चन डाउट आप लोग को जो भी हो गणित में कोई से भी पार्ट का, आप लोग कमेंट करो उसको, या तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन बता सकते हैं ताकि मैं उसको वीडियो बनाऊँ। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना डाउट शायद नहीं बता पा रहे हैं, या आप लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखते, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखा करो, क्योंकि हर एक मिनट में, हर एक सेकेंड में आपको कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलता है ना। तो अब क्या करो आप लोग, अगर पुराना किसी भी चैप्टर पे डाउट हो तो उसका कमेंट जरूर कर दो, ताकि मैं उसका आंसर आप लोग को, उसको आप लोग को समझा सकूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की क्लास। तो इस क्लास में हम लोग का क्या कवर होने वाला है, प्रश्न वाली दो कवर होगा, जिसमें क्या है, बेलन। बेलन ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूं आप लोग के सामने, आप लोग को दिख रहा होगा है ना। इसमें देखो बेलन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्स को समझ लो, बेलन के पार्ट समझे मतलब आपको पूरा चीज आ गया और नंबर आपके हाथों में है ना, ये तो पता है आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से ज्यादा समझना जरूरी है कि बेलन में क्या क्या पार्ट होते हैं। पार्ट से ही तो क्वेश्चन पूछेंगे भाई, बाहर से तो और नहीं पूछेंगे। पार्ट से ही नहीं पता, बेलन पढ़ लिए, सूत्र याद कर लिए, हाँ ये होता है, रट लिए, एग्जाम में गए भूल जाओगे है ना, इसलिए समझो फिर करेंगे क्वेश्चन। बेलन में देखो क्या क्या होते हैं, मेनली दो तीन पार्ट होते हैं, समझो पहले। ये क्या बेलन है, जाहिर सी बात है एक पाइप है ना, तो पाइप के खड़ा होने के लिए कुछ ना कुछ तो उसका आधार होगा। तो ये हमारे पास बेलन में दो आधार है, ठीक है, एक तो नीचे में और एक ऊपर भी, ये दोनों क्या है हमारा आधार है, क्लियर, ऊपर नीचे दोनों हमारा आधार है, क्लियर, ये समझ आया, ये दोनों आधार है, क्लियर है, ठीक, दो ठो आधार है। अब देखो आधार है, आधार मतलब एक गोला सा है ना, ऐसा ये हुआ अपना गोला, ऐसा आधार गोला सा होगा, ठीक है, बेलन से आप लोगों को तो समझ आ रहा होगा, नीचे आधार है उसी के हिसाब से, उसी पे ही तो वो खड़ा हो सकता है ना बेलन, ठीक है। तो ये आधार है, तो इस आधार में क्या क्या हो सकता है, गोला है तो वृत्त है अपना, तो कुछ ना कुछ तो इसका त्रिज्या होगा, तो उस त्रिज्या को क्या मानना है आप लोग को, आर मानना है, क्लियर है, याद रहेगा त्रिज्या मतलब आर, हम लोग को त्रिज्या निकालने के लिए भी बोल सकते हैं और बोलते भी है। और ये तो त्रिज्या हो गया, अब इसमें व्यास भी तो पूछ सकते हैं पूरा का, मतलब इसी में 2R भी तो पूछ सकते हैं हम लोग को, 2R क्या है अपना व्यास है, क्लियर है, क्या क्या हुआ अभी तक का पता चला, दो आधार होता है जिसमें त्रिज्या को R मानेंगे, व्यास को 2R मानेंगे। अब परिधि, परिधि किसको मिलती है, जो पूरा राउंड ऐसा होता है उसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो इसको कैसे पूछ सकते हैं, बेलन की आधार की परिधि ज्ञात करो करें, तो उसका फॉर्मूला होता है अपना 2πR, क्लियर यहां तक, ठीक। अब उसका क्या पूछ सकते हैं हम लोग को, क्षेत्रफल, आधार की क्षेत्रफल, बेलन की उसी आधार का क्षेत्रफल, उसका टोटल एरिया कितना होता है, उसका हम लोग को फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, इतना याद रखो, आप लोग को याद रखना ही है क्वेश्चन करना है तो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम उतना दिन तो है नहीं कि हम लोग आराम से पढ़ेंगे, वीडियो को बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। वीडियो आप लोग जितना जल्दी हो सके सभी वीडियोस को देख लो, कमेंट करो उसका क्वेश्चन, अगर किसी में डाउट है तो उसको मैं जरूर बताऊंगा डेफिनेटली, ठीक है, यहां तक हुआ। और क्या करो आप लोग, वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक क्या मिलती रहे, इसी तरह के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप लोग तुरंत देख सके, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि बाद में हम लोग देखेंगे, बहुत कम दिन है अपने पास, सिर्फ दिसंबर तो गया, असाइनमेंट आएगा, असाइनमेंट के बाद दिसंबर गया, सिर्फ जनवरी बाकी और फरवरी बाकी है, ठीक है, दो महीना बाकी है, दो महीने में हम लोग को अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है, तो आप लोग को इन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलना ही चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। अब क्या हुआ, बेलन का हम लोग को वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन,
अब ये सब क्या है भाई, बाकी तो मैं समझा दिया है ना। आप लोग बोलोगे बोलोगे कि आप तो समझा दी, इतना समझा दी, अब ये भी समझा दीजिए है ना। तो समझाऊंगा ही भाई, उसी के लिए आप लोग को वीडियो पे क्लिक किया और समझने के लिए है ना, तो मैं भी समझाऊंगा ही। तो वक्र पृष्ठ किसको बोलेंगे, ये वक्र पृष्ठ है ठीक है, ये वाली पार्ट हमारा क्या है, वक्र पृष्ठ ठीक है। इसको मैं सेकेंड मार्कर से कर देता हूँ, ये क्या है अपना, ये वाली पार्ट जो है क्या है, वक्र पृष्ठ है। मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, एक सपोज दैट ये एक बॉटल है, पानी बॉटल है, गोला का पानी बॉटल है ठीक है। पानी के ऊपर वाला जो कैप वाला ढक्कन वाला पार्ट है, ऊपर आधार है, नीचे जिस पे ऐसे खड़ा होता है ना, तो नीचे का जो तली, ये दोनों आधार है उसमें ठीक है। पानी बॉटल आप लोग तो पास होगा तो आराम से इमेजिन कर सकते हैं ना। अब उसमें जो उसका बाहरी पार्ट है, जो गोलाई से हुआ है, प्लास्टिक का होगा आपके पास बॉटल, तो उसी प्लास्टिक वाले पार्ट को हम लोग वक्र पृष्ठ बोलेंगे। जो बाहरी वाला पार्ट है ना ऐसा ठीक है, जो गोला का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है हम लोग को ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा अपन का कि 2 पाई आर एच, क्लियर है, 2 पाई आर एच। इतना याद रख लीजिए, आर क्या है भाई, त्रिज्या है, एच क्या अपनी ऊंचाई है ठीक है। एच मतलब हाइट, एच क्या है, ऊंचाई है, याद रहेगा आप लोग को, आर त्रिज्या, एच ऊंचाई है। हम लोग को किसी प्रश्न में दे दिया रहेंगे, फिर इसको आर और एच का मान दे दिया रहेगा, फिर बोलेंगे कि वक्र पृष्ठ निकाल के दिखाओ, आप लोग को नंबर मिलेगा 5 नंबर करके है ना। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। अगला, संपूर्ण पृष्ठ किसको बोलेंगे, वक्र पृष्ठ तो आ गया समझ आप लोग को है ना। संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल पृष्ठ, क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ में, टोटल पृष्ठ मतलब उसमें आधार का भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा और इस वक्र पृष्ठ का भी जुड़ जाएगा ठीक है। वक्र पृष्ठ को पृष्ठी क्षेत्रफल भी बोलते हैं, याद रखना, पृष्ठी क्षेत्रफल भी बोलते हैं और वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, क्लियर है। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ मतलब आधार भी का जुड़ेगा और इसका जुड़ेगा, मतलब तीनों चीज का, दो ठो आधार है अपन का, तो ये कैसा हो जाएगा टोटल, फाइनली हम लोग के पास 2 पाई आर एच का जुड़ेगा प्लस पाई आर स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर, और इस ये दो ठो है इसलिए दो बार जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है। इसको मैं आयतन को भी इरेज कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसको कंप्लीटली आप लोग को समझाना पड़ेगा है ना, हल करके, इतना लंबा तो याद नहीं रखोगे ठीक। तो देखो इसमें से 2 पाई आर एच, और इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, देखो पाई आर स्क्वेयर है, पाई आर स्क्वेयर दो जगह है, दोनों जुड़ के टोटल 2 पाई आर स्क्वेयर होगा। अब देखो इसमें से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, देखो कॉमन 2 पाई आर, 2 पाई आर दोनों साइड है, दोनों साइड से बाहर निकाल दो भाई, 2 पाई आर, और यहाँ पर बचेगा h, और यहाँ पर बाकी रहेगा r, क्योंकि यहाँ पर r दो बार है ना ठीक, इसलिए एक r बाहर हुआ, क्लियर है आप लोग को ठीक। तो यही फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए इसका, क्या कैसे याद रखना है, देखो सेम उसी तरीका से, इसका क्या 2 पाई आर एच है, इसका 2 पाई आर एच प्लस आर, ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है, क्या 2 पाई आर एच प्लस आर, क्लियर है ठीक। अब इसका आयतन, आयतन निकाल लो, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला होगा अपना πr² h, क्लियर, ये है अपना आयतन का फॉर्मूला ठीक है। और इसमें देखो r क्या है, क्या है त्रिज्या, और h क्या है ऊंचाई ठीक है, आप लोग को याद है ठीक, अच्छी बात है। ये क्या होगा, घन इकाई, हमेशा घन इकाई में रहेगा, मतलब अगर सेंटीमीटर में रहा, हम लोग को सब भी मान, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में दिया है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया, तब हम लोग को उत्तर में क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर ठीक है, घन में आता है और बाकी सब वर्ग में रहता है, क्लियर, ये भी वर्ग में रहेगा, ये भी वर्ग में रहेगा, क्लियर है। इतने को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।